बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की प्यारी संगत, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी। आज 10 मार्च सन 2022 और दिन गुरुवार है। आज गुरु महाराज जी का ही दिन है। आज अष्टमी तिथि है और आज से ही होलाष्टक प्रारंभ है। अष्टमी तिथि में आज आप सुनेंगे 69वां भाग श्री स्वरूप दर्शन का 69। आज 6:31 पर प्रातःकाल सूर्य उदय का समय और 6:20 पर सायंकाल सूर्यास्त का समय। आज 1:25 पर राहुकाल प्रारंभ होगा और 3:24 पर राहुकाल की समाप्ति होगी। 1:55 से और 3:24 तक कोई शुभ कार्य न करें। कल आपने 45 चक में गुरु महाराज जी का आगमन सुना, उनकी लीलाएं सुनी, नदी पार करते हुए कैसी कैसी लीलाएं प्रभु ने की। इस प्रकार जैसे रामचंद्र भगवान जब नदी पार गंगा पार कर रहे थे, सेम वही दृश्य वही सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा जिस प्रकार उस समय त्रेता युग में हुआ था। आज चक 45 में आश्रम निर्माण के विषय में आपको इस पाठ के माध्यम से बतलाया जाएगा। तो आइए चक 45 में आश्रम निर्माण का अध्याय प्रारंभ करते हुए लालिया स्टेशन से चक 45 लगभग 3 कोस दूर था। स्टेशन पर चक 45 के प्रेमियों ने घोड़े और पालकी का प्रबंध किया हुआ था और श्री महाराज जी को वे प्रेमी भजन कीर्तन करते हुए बड़े आदर पूर्वक अपने गांव में ले आए। वहां महाप्रभु का सत्संग उपदेश शुरू हो गया। वहां के प्रेमीजन श्री महाराज जी की पवित्र सेवा से आनंद मनाने लगे। एक दिन वहां के कुछ प्रेमी भक्तों ने मिलकर श्री महाराज जी के चरणों में आश्रम बनाने के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने आश्रम बनाने के लिए अपनी अपनी जमीन भेंट करने की विनती की। आज तो जिनके पास जमीन होती है वो भी भेंट नहीं करते हैं। वो चाहे तो गुरु महाराज जी का खूब आलीशान आश्रम बनवा सकते हैं, लेकिन जिनके पास होती है वो दान नहीं करते और जिनके पास नहीं होती है वो मजबूर होते हैं। लेकिन वो वक्त था, इस पूरे भारतवर्ष में जितने भी उस समय के आश्रम हैं सब वे आश्रम गुरु महाराज जी को जमीन दान कर कर ही बने हुए हैं। अब सोचिए जिन्होंने वो जमीन आश्रम को दान दी उन लोगों का नाम अजर अमर हो गया। अगर वो दान नहीं करते तो उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन आज जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी को उस जमीन को दान किया है, आज स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम गुरु महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ है कि गुरु महाराज जी को इस परिवार ने, इस नाम के परिवार ने, इस वंश के परिवार ने आश्रम को जमीन दान दी और आज वहाँ आश्रम चल रहा है। हमें भी
जिनके पास जमीन है उन लोगों को भी ऐसा मन बनाना चाहिए कि हम अपने नंगली निवासी भगवान को अपनी जमीन में बैठाएं, अपने आप को अजर अमर कर दें। क्योंकि अगर हम अपनी जमीन जायदाद को दान नहीं करते, औलाद को छोड़ जाते हैं, तो तीन पीढ़ी के बाद आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। तीन पीढ़ी के बाद आपको सब भूल जाते हैं, आप कितनी भी संपत्ति छोड़कर चले जाएं, लेकिन जिसने भगवान के चरणों में दान किया है वो जन्मों जन्मों तक उसका नाम कभी मिट नहीं सकता। आप नंगली साहिब में देख लीजिए, नंगली निवासी भगवान को गेंदा भगत लेकर आए थे। आज गेंदा भगत की तीन चार पीढ़ियां, चौथी पीढ़ी चल रही है, लेकिन गेंदा भगत का नाम जब तक अमर रहेगा, जब तक नंगली निवासी भगवान का मंदिर रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक सूरज और चांद रहेगा, तब तक उस गेंदा भगत का नाम रहेगा। अब सोचिए, अगर वो गेंदा भगत जमीन दान नहीं करता, गांव के और भी लोग थे, उन्होंने तो दान नहीं की, उनका तो कोई नाम नहीं लेता, उनके तो नाम खत्म हो चुके हैं, लेकिन गेंदा भगत का नाम क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि उसने जमीन का दान किया। इसलिए जो सक्षम है, जो जमीन दान कर सकते हैं, जिनके पास जमीन है, उन्हें अपने मालिक के लिए जमीन का कुछ अंश दान अवश्य करना चाहिए, ताकि वहाँ पर एक सुंदर सा आश्रम बने, नंगली निवासी भगवान का वहाँ डंका बजे और नंगली निवासी भगवान के उस क्षेत्र में भी भक्त लोग बन जाए, अधिक से अधिक भक्त लोग बने। ऐसी भावना करते हुए हमें इस कार्य में अग्रसर रहना चाहिए, वरना जिस दिन आँख बंद हो गई, आपका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, चाहे जितनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं, सब व्यर्थ है। और यहाँ भी उन्होंने, साथ ही उन्होंने आश्रम बनाने के लिए अपनी अपनी जमीन भेंट करने की विनती की। कई दिन तक यही प्रेम का झगड़ा चलता रहा। वे सभी प्रेमी अन्न जल त्याग करके श्री चरणों में आश्रम बनाने के लिए प्रार्थना करते रहे। देखिए, अन्न और जल तक त्याग दिया कि प्रभु हमारी जमीन ले लीजिए, इसमें आश्रम बनाइए। और आज तो अगर गुरुजी खुद कहने लगे भाई हमें थोड़ी सी जमीन दे, तो नहीं जी गुरुजी, बहुत महंगी जमीन है हमारी, तो कितना अंतर है तब में और आज में। वो लोग दान कर रहे हैं, गुरु महाराज जी लेने को तैयार नहीं है, उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया कि प्रभु हमारी जमीन लीजिए आप आश्रम के लिए। अंत में हजूर ने चार भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए फरमाया, आपकी जमीन पर एक एक आश्रम अवश्य बनेगा। उन प्रेमियों के शुभ नाम सरदार ईश्वर सिंह जी, सुपुत्र श्री चेतराम जी, बाबा प्यारा सिंह जी नंबरदार, सरदार इकबाल सिंह जी, श्री तखत सिंह जी तथा चौधरी बसावा राम जी थे। अब आप सोचिए, उस टाइम के ये नाम आज भी अमर हैं, और जब तक मैं अभी बोल रहा था, तो गुरु दरबार रहेगा, ये ग्रंथ रहेगा, ये नाम कभी मिटने वाले नहीं हैं, ये तो अमर हो चुके हैं। इन प्रेमियों ने अपने खेतों में 16 कनाल जमीन अलग अलग आश्रम बनाने के लिए भेंट की। 16 कनाल। गांव के लोग चकित थे कि यहाँ क्या हो रहा है, इन सबकी जमीन में एक एक छोटा सा आश्रम और एक एक नलका लगवाया गया। बड़ा आश्रम सरदार ईश्वर सिंह जी की जमीन पर बनवाया गया। श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करके उन सब आश्रमों के उद्घाटन करने शुरू किए। नियम यह था कि प्रेमी जन श्री महाराज जी को पलंग पर विराजमान करके भजन कीर्तन करते हुए नए आश्रम में पहुंच जाते। वहां सारी संगत को लंगर का प्रसाद दिया जाता। लोक परलोक के मार्गदर्शक। एक दिन श्री महाराज जी श्री बसावा राम जी की जमीन पर बनाए आश्रम का उद्घाटन करने के लिए पधारे। उद्घाटन के बाद श्री सद्गुरुदेव जी सायंकाल वहां लौटे। सूर्यास्त हो चुका था। हजारों की संख्या में संगत उनके साथ थी। भजन संकीर्तन करते हुए 1 मील की दूरी 3 घंटे में तय हुई।
हजूर पलंग पर विराजमान थे, साथ में चार बड़े गैस भी थे। वहां से आते आते रात के 10 बज गए। श्री महाराज जी ने अपने मुख्य स्थान पर आना था, वह स्थान गांव की ओर पड़ता था। यह एक जिक्र आया है गैस। अब आप सोचेंगे उस टाइम गैस कहां से आई, तो उस समय मिट्टी के तेल के हंडे हुआ करते जो जलाया जाया करते थे, उसमें एक एलिमेंट बांधा जाता था, उसको गैस के हंडे बोला करते थे। तो यहाँ उसी का जिक्र है, रोशनी करने के लिए ऐसे ऐसे चार बड़े बड़े वे लैंप थे। श्री महाराज जी ने भक्तों को कदम तेज उठाने की आज्ञा दी। जब सब लोग गांव के पास पहुंच गए, तब श्री महाराज जी ने अपनी अद्भुत लीला दिखाई। वे लोग रास्ता भूलकर वहीं खड़े हो गए। राह न मिलने के कारण वे बहुत चकित थे। साथ ही उन्होंने श्री महाराज जी से विनती की कि हमें गांव के रास्ते का पता नहीं चल रहा। श्री महाराज जी हंसकर बोले, गांव का आदि निवासी मैं हूं या आप? देखिए, उसी गांव के लोग और सुम रास्ता भूल गए और गुरु महाराज जी से पूछ रहे हैं कि गांव का रास्ता नहीं मिल रहा, और गुरु महाराज जी हंसकर कह रहे हैं गांव का आदि निवासी मैं हूं या आप? मुझे गांव के रास्ते का क्या पता? आप लोगों में इस गांव का कोई 30 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का रहने वाला है। यदि आप ही यहां का मार्ग भूल गए तो फिर आपको निज घर परलोक का पता कैसे लगेगा? इस बात पर सत्संग चल पड़ा और श्री महाराज जी बोले, यह जीव उस पुरातन निज घर को भूलकर माया के चक्कर में पड़ गया है। कोई पूरा सदगुरु ही इसे निज घर का पता बताएगा। तब श्री महाराज जी ने एक और संकेत करके कहा, देखो हम तो गांव के नजदीक खड़े हैं। सबने चकित होकर देखा कि वास्तव में सभी गांव की दीवार के पास खड़े हैं। महाप्रभु अपनी मौज मस्त बोले, यहाँ वास्तव में यहाँ का मार्ग भी मैं बताऊं और परलोक का भी। ये दोनों बातें आज आपने अपने प्रेम वश हमसे पूर्ण करवाई है। इस प्रकार सत्संग करते हुए श्री महाराज जी बड़े आश्रम में पहुंच गए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोगों ने सुना कैसी अद्भुत लीलाएं पल भर में, क्षण भर में कर दिया करते थे। भक्तों को सत्य मार्ग का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु ने कैसी कैसी लीलाएं की, आप उसका वर्णन सुन रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।